अलग अलग जानवर या परिंदों के लिए अलग अलग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं जब गधे चीखते हैं तो उन्हें हम कहते हैं रेकना, यानी जब गधे बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं रेकना, और इस वर्ड की इंग्लिश होती है ब्रे, यानी गधे के चिल्लाने की आवाज को कहते हैं ब्रे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो गधे रेकते हैं यानी गधे चिल्लाते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डंकीज ब्रे यानी गधे रेकते हैं। क्या आप जानते हैं जब मुर्गे चिल्लाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं बाग देना या कुकड़ू कू करना। तो बाग देना या कुकड़ू कू करना के लिए जो इंग्लिश होती है वो होता है क्रो। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुर्गे बागते हैं या मुर्गे कुकड़ू कू करते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कॉक्स क्रो यानी मुर्गे बागते हैं या कुकड़ू कू करते हैं। क्या आप जानते हैं जब मधुमक्खियां भिन भिनाती हैं तो उनके भिन भिनाने को इंग्लिश में कहते हैं हम। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मधुमक्खियां भिन भिनाती हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हनी बीज हम यानी मधुमक्खियां भिन भिनाती हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर मक्खियों के भिन भिनाने की बात हो तो आप हम का यूज न करें बल्कि आप बज का इस्तेमाल करें। हम का यूज मधुमक्खियों के लिए किया जाता है जबकि बज का इस्तेमाल हम मक्खियों के लिए करते हैं। क्या आपको पता है काव काव को इंग्लिश में कहते हैं काव, यानी जब कौवे कहते हैं काव काव तो उसकी इंग्लिश होती है काव। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो कौवे काव काव करते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे क्रोज काव यानी कौवे काव काव करते हैं। क्या आपको पता है बत्तख की आवाज को इंग्लिश में कहते हैं क्वैक, यानी बत्तखों की आवाज को कहते हैं क्वैक। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो बत्तख क्वैक क्वैक करते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डक्स क्वैक यानी बत्तख क्वैक क्वैक करते हैं। क्या आपको पता है कोयल की बोली को कूकू कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो कोयल कूकू करती हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कुकूज कू यानी कोयल कूकू करती हैं। अगर आपको कहना हो गाय डकारती हैं या भैंस डकारती हैं, तो गाय या भैंस के डकारने को कहते हैं लो। यानी अगर आपको कहना हो गाय डकारती हैं या भैंसे डकारती हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे काउज लो या बुफाइलोज लो। अगर आपको कहना हो सियार हुआ हुआ करते हैं, यानी सियार की बोली को हम इंग्लिश में हाउल कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो सियार हुआ हुआ करते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे जैकाल्स हाउल यानी सियार हुआ हुआ करते हैं। अगर आपको कहना हो हाथियां चिघाड़ती हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एलिफेंट्स ट्रम्पेट यानी हाथियां चीखती हैं चिल्लाती हैं या दहाड़ती हैं। यानी हाथियों की चीखने की आवाज को या दहाड़ने की आवाज को कहते हैं ट्रम्पेट। अगर हम बात शेर की करें, तो जब शेर दहाड़ता है तो उसको हम कहते हैं रोर। यानी अगर आपको कहना हो शेर दहाड़ते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लायंस रोर यानी शेर दहाड़ते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डॉग्स बार्क यानी कुत्ते भौंकते हैं। कुत्तों की भौंकने की साउंड को बार्क कहते हैं। क्या आपको पता है सांप के फुफकारने को इंग्लिश में हिस कहते हैं। यानी अगर आपको कहना हो सांप फुफकारते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे स्नेक्स हिस। क्या आपको पता है अगर आपको कहना हो घड़ी टिक टिक करती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वॉचेज टिक यानी घड़ियां टिक टिक करती हैं। अगर आपको कहना हो जूता मच मचाता है, तो जूते की आवाज को जो मच मच की आवाज होती है उसे हम बोलते हैं। बादल कड़कते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द क्लाउड रंबल यानी बादल कड़कते हैं। बादल के कड़कने की इंग्लिश होती है रंबल। क्या आपको मालूम है भुनभुनाने की इंग्लिश होती है मरमर। जैसे अगर आपको कहना हो वह भुनभुनाता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही मरमर्स। अगर आपको कहना हो वह बच्चा तुत लाता है, तो तुत लाने की इंग्लिश होती है स्टेमा। यानी सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट चाइल्ड स्टेमर्स यानी वह बच्चा तुत लाता है। क्या आपको पता है आहें भरना की इंग्लिश होता है साई। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो रोगी आहें भरते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए
आप कहेंगे द पेशेंट्स साई, यानी रोगी या मरीज आहें भरते हैं। अगर आपको कहना हो वह सिसकती है तो सिसकना की इंग्लिश होता है सॉब। इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी सॉब्स। क्या आपको पता है बड़बड़ाना की इंग्लिश होता है विस्पर, यानी अगर आपको कहना हो कि वे लोग बड़बड़ाते हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे विस्पर, यानी वे लोग बड़बड़ाते हैं। अगर आप वाकई इन सभी वर्ड्स को सीख लिए तो क्या इन सभी वर्ड्स पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय।